हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यू सेंटेड आइडियाज के बारे में। जैसे हम लोग हर वीक कवर आउट करते आ रहे हैं, इस वीक भी हम लोग कवर आउट करने वाले हैं कुछ न्यू सेंटेड आइडियाज जो आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वाला मोमेंटम दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कहाँ पे रहेगी हमारी एंट्री, कहाँ पे हम लोग टारगेट पुट करने वाले हैं, कहाँ पे हम लोग अपना एसएल रखने वाले हैं। तो मेक श्योर करिएगा आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले स्टॉक के एनालिस्ट के साथ में, जिसका नाम रहने वाला है बर्जर पेंट का। इस बर्जर पेंट को अगर हम लोग पहले वॉच आउट करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफी अच्छा सा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एरो से ऑलरेडी मार्क आउट करा हुआ है कि कहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा गया। तो यहाँ से अगर आप लोग इस अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आप लोग देखें फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, फिर सेकंड टाइम हुआ, फिर थर्ड टाइम हुआ, और अब फोर्थ टाइम इसने एग्जैक्टली इसी वाले एरिया से रिवर्स करा है। रिवर्स करा तो है, पर हम लोग तुरंत रिवर्सल पर एंट्री तभी लेते हैं जब हमें कुछ ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले ऐसा, जिसमें बहुत अच्छा नहीं था। पर अभी के लिए आप लोग देखेंगे अगर अब आप लोग इतने एरिया में चार्ट पे वॉचआउट करेंगे तो अब आप लोगों को चार्ट में एक अलग चीज नजर आएगी, जिसे हम लोग कह सकते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, या फिर फॉलिंग चैनल पैटर्न भी हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं चैनल पैटर्न जैसे ही बना हुआ है। आप लोग अगर देखेंगे तो अपसाइड और डाउनसाइड काफी अच्छे से टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे से इसने ट्रेंड लाइन को 3 बार टेस्ट करा है, अब साइड से 4 से 5 बार इस वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है, जो आप लोग एरो के थ्रू वॉच आउट कर सकते हैं। तो 4 से 5 बार टेस्ट हो चुका है, अब ट्रेंड लाइन क्या होने लगी है, वीक होने लगी है। वीक का हमें पता क्या चलता है, कितने टच के बाद पता चलता है ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, कितने टचेस से वीक टू वीक या बॉडी टू बॉडी, वो सब कुछ गाइस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करा हुआ है, जिसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आके आप लोग सारी वीडियो जरूर से देख लें, तो आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि फिर आप लोग चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग ट्रेड आइडिया हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, आप लोग हर टाइम फ्रेम में बेस्ट तरीका आप लोग ढूंढ पाएंगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। स्ट्रेटेजी भी हम लोग जिसको कह सकते हैं वो मैंने इसमें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, तो मेक श्योर लिया आप लोग फटाफट से वाली वीडियो वॉच आउट कर लें, तो ये सारी ट्रेंड लाइन आप लोग बहुत ज्यादा सही समय में आने लग जाएंगी और लाइव मार्केट में भी दिखने लग जाएगी। अभी के लिए हम लोग देखेंगे इसी वाली ट्रेंड लाइन के पास में क्या हो रहा है। ये स्टॉक जो है बर्जर पेंट इसी वाले एरिया के पास में क्या है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है कंटिन्यूसली। आप लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हफ्तों से ये कंटिन्यूअसली इसी वाली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर, बल्कि हम लोग कह सकते हैं साथ इस वाली छोटी कैंडल को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 7 हफ्तों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर अभी अपना स्विंग हाई ब्रेक करता है, लेटेस्ट स्विंग हाई जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ऑलमोस्ट इस वाले एरिया के आसपास आएगा, जो 598 के आसपास हमारी अच्छी खासी राउंड लेवल भी है, तो यहाँ से हम लोग एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम का व्यू आप लोगों ने देख लिया, ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुआ है, अभी के लिए करेक्टिव ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। यहाँ से अगर मोमेंटम दिखाना होगा इसे तो ब्रेकआउट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम ऐसा अभी कुछ भी नहीं आया, खाली कंसोलिडेशन में रुका हुआ है, तो मोमेंटम आने के लिए इसको ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा, और फिर हम लोग एक बड़ा टारगेट जो भी हम लोग अभी डिसाइड करेंगे वो हम लोग एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गया हो। वीकली टाइम फ्रेम पे आने से फटाफट से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं हमारा डेली टाइम फ्रेम का व्यू क्या रहने वाला है, कहाँ पे हम लोग एंट्री पुट आउट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो हमें कुछ कंसोलिडेशन नजर आ रही है, पर साथ साथ में आप लोग देखेंगे डाउन साइड से हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी नजर आ रहा है, तो इस सपोर्ट के साथ में कंटर से चार्ट ऊपर जा रहा है। अब इसके थ्रू हम लोग अपना एसएलवी पुट आउट आसानी से कर सकते हैं। लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा कहाँ पे आ रहा है, जैसे मैंने कहा था 600 के आसपास, तो अगर इस वाई लेवल को ब्रेक करता है हम लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से जा सकते हैं बाई साइड के लिए। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्विंग हाई तो हमारा ये आ रहा है, तो सेफ प्लेयर्स हैं तो आप लोग कहाँ पे एंट्री लेंगे, तो आप लोग 605 का इंतजार कर सकते हैं कि जैसे इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री लेंगे तो हो सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फंस जाए, तो सेफ प्ले करना चाहते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, वरना इससे दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है 600 के ऊपर, आप लोग यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री कैसे बनानी, कब बनानी, अगर हमें जैसे डेली टाइम फ्रेम की एक क्लोजिंग हमें कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है, एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल हमारी कुछ इस तरीके की बंद हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाएंगे हम लोग बाई साइड के लिए, और ऐसे हम लोग पुट आउट करेंगे लेटेस्ट स्विंग लो का। अगर स्विंग लो पहले यहाँ पे बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे अपना एसएल, और वरना हम लोग अभी के लिए यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। एक स्विंग लो को हम लोग ऐसे हमेशा पुट आउट करते हैं, और आप लोग सोचेंगे कि सर हो सकता है यहाँ पे स्विंग लो बन जाए, मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ, अगर मैं इस वाई लेवल के थ्रू दिखाऊँ, हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि हो सकता है ऐसे स्विंग लो बन जाए फिर यहाँ से ब्रेकआउट करें, तो हाँ आप लोग बिल्कुल यहाँ पे भी रख सकते हैं। पर अगर आप लोग बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऐसा हमारा बिल्कुल सही जगह होना चाहिए, प्रॉपर जगह, तो हमारा स्विंग लो बनेगा इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर वो ऐसा फॉर्मेशन दिखाता है कि ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऐसा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे भी आसानी से पुट आउट कर सकते हैं। आई होप गाइस ये चीज का व्यू आप लोग क्लियर हो गया होगा, ऐसे हमें कहाँ पे पुट करना है, कौन सी सिचुएशन में कैसे पुट करना है, वो सब कुछ आप लोग समझ में आ गया होगा। गाइस इतने डिटेल में आप लोग कोई नहीं बताता है कि कहाँ पे कब कैसे पुट आउट करने से आपको बता दें ब्रेकआउट आएगा,
सिंग लो पे हम लोग पुट करेंगे। अगर सिंग लो यहाँ पे आ रहा होगा तो वो अगर एसएल नहीं हिट होगा तो कह देंगे हमने यहीं रखा था, एसएल हिट हो रहा होगा तो कह देंगे नहीं हमने तो यहाँ पे माना था। मैं आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग किस सिचुएशन में कहाँ पे रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लगा इस वीडियो लाइक करना बनता है, मेक श्योर कर दीजिए आप लोग इस वीडियो फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दें अगर आप लोगों ने नहीं दबाया। एंट्री की हम लोगों ने बात कर ली, एसएल की हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं हम लोग टारगेट की। देखिए छोटा हर्डल हमारे लिए मेजर निकल के आ रहा है, छोटा हर्डल जिसे हम कह सकते हैं 626 पर, यह आसानी से बन जाएगा हम लोगों का पहला टारगेट अपसाइड के लिए। सेफ प्लेयर्स के लिए मैं हमेशा पहला टारगेट प्रेफर करता हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी से हमें 626 टेस्ट होता हूँ नज़र आ सकता है बर्जर पेंट। नेक्स्ट टारगेट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट निकल के आएगा इसमें 640 के आसपास, जो हमारा बहुत बड़ा तो नहीं पर हम लोग कह सकते हैं हर्डल हमारे लिए बन सकता है। मेजर हर्डल अगर आप लोग पुट आउट करना चाहेंगे तो वैसे तो मेजर हमारा सीधे यहीं पर निकल के आता है, पर उसके बीच में हम लोगों का एक छोटा हर्डल इस जगह पे भी 655 के भी आसपास आता है और एक हमारा आ रहा है इस वाले एरिया पे, तो हम लोग सीधे 655 पे पुट आउट कर लेते हैं। ये बन जाएगा हम लोगों का दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना चाहते हैं, तो आप लोग आसानी से इसको इन वाले टारगेट तक के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से, या फिर इस वाले टारगेट के लिए 670 तक के लिए आसानी से ट्रेल कर सकते हैं। अब बाकी मैं ट्रेलिंग एसएल वालों के लिए भी सारे टारगेट बताऊंगा, अभी आप लोग इंतजार करिए। अब मैं आप लोग पोजिशन ला के दिखाता हूँ, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर आप लोग बाई करेंगे तो यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर होगी। वो कैंडल पर डिपेंडेंट है, हो सकता है एक ही कैंडल दोनों स्विंग को ब्रेक कर दे अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना होगा। तो मैं इसी के हिसाब से पुट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया हम लोग एंट्री, मान लीजिए हम लोगों का स्विंग लो आ गया इस वाले एरिया के आसपास की ट्रेंड लाइन को, इसने यहाँ पे आके दोबारा से अपसाइड के पास आने के बाद यहाँ पे टेस्ट करा फिर अपसाइड गया। हो सकता है हमारा स्विंग लो इस जगह पे भी है, जैसे मैंने आप लोग बताया कि आप लोग एसएल जो है यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। कुछ अगर हमारा ऐसा स्विंग बन जाता है तो आप लोग जो है एसएल इस वाली जगह पे भी पुट कर सकते हैं इस वाले स्विंग लो के नीचे, वो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों के रिस्क पे डिपेंडेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सारे ट्रेड गाइस मैं आप लोग एजुकेशन पर्पज के दे रहा हूँ, अगर आप लोग एंट्री बनाते हैं तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए बनाएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हुए बनाएंगे। मैं सारे ट्रेड आप लोग एजुकेशन पर्पज के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ गया पहला टारगेट 1:1.4 का, हमें आसानी से पहला टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट। अब हम लोगों ने ये तो छोटे टारगेट छोटे एसएल के साथ हम लोग बात करें, 1:4.8 का हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं अगर बड़े वाले एसएल की बात करूँ तो भाई हमें 1:3 का बहुत ही ज़्यादा आसानी से रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है बर्जर पेंट के अंदर। और क्या ही चाहिए आप लोगों को, टारगेट आप लोगों को मिल रहा है 10% का, एसएल मिल रहा है खाली 3.5% का, छोटा सा एसएल है और रिस्क रिवॉर्ड हम लोग बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। अभी तो हम लोगों ने छोटे से एसएल सॉरी टारगेट प्लान करें, अगर आप लोग ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इसको यहाँ तक के टारगेट के लिए, या फिर मैं सीधे 700 पर पुट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, इन वाले टारगेट तक आप लोग इसको बहुत ज़्यादा आसानी से ले जा सकते हैं। और बड़े एसएल के साथ भी आप लोग 1:4.3 का रिस्टोर्ड मिल जाएगा। तो सोचिए अगर आप लोगों ने छोटा एसएल पुट आउट करा तो 1:8 तक का इस रिस्टोर्ड आप लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया जहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप लोग मोमेंटम देखेंगे, इसे हम लोग इतने से मूव में गाइस, और क्या ही चाहिए आप लोगों को, सिर्फ इतने से मोमेंटम में हम लोग इतने टारगेट ले लेंगे। और मान लीजिए स्टॉक में मोमेंटम अच्छा रहा, कुछ ऐसा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला ट्रेलिंग एसएल के साथ, हम लोग इसको कंटिन्यू करते चले गए तो 800 850 भी टारगेट कहीं से कहीं तक नहीं। आई होप गाइज आप लोगों को आज का ये स्टॉक का एनालिसिस पसंद आया होगा, बर्जर पेंट का एनालिसिस डिटेल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और गाइज समझ में आ गया तो मेक श्योर कर दिया आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, अगर आप लोगों ने नहीं करा है चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा। अब गाइज मैं अगर आप लोगों को पुराने वाले नेक्स्ट स्टॉक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को अगर पुराने वाले स्टॉक की बात बताऊँ, स्पेशली गाइज हमारा इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बाकी सबका तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करा हुआ था। अगर मैं टी डब्ल्यू एल स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसको 50% डिस्कस करा था, गाइस ये अब हो चुका है 60%। और क्या चाहिए गाइस आप लोगों को, इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आप लोगों को स्टॉक दिया था, यहाँ पे आप लोग देखेंगे बल्कि 70% से भी ज़्यादा हो चुका है, सॉरी मैं 60% कह रहा हूँ, हम लोग कह सकते हैं 70-75% का रिटर्न हमें देखने के लिए मिल चुका है, क्योंकि एंट्री हमारी थोड़ी सी ऊपरी साइड पर थी क्लोजिंग होने के बाद। यहाँ से हमें 70% का रिटर्न देखने के लिए मिल चुका है गाइस, सेफ प्लेयर्स हैं, प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करिए, ट्रेलिंग एसएल अपने हिसाब से मेंटेन करते हुए चलिएगा, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से और अपने कैपिटल के हिसाब से। जो लोग छोटे टाइम प्लान करते हैं या फिर मैं कहूँ इन्वेस्टिंग के लिए, ये इन्वेस्टिंग में तो गया भी नहीं है सच, हम लोगों ने कुछ ही टाइम के अंदर इतना बढ़िया रिटर्न निकाल लिया। अगर आप लोग मंथली चार्ट देखेंगे तो कुल 3 से 4 महीने के अंदर हम लोगों ने इतना बढ़िया रिटर्न निकाला, इन्वेस्टिंग तो 1-2 साल के लिए होती है, तो हमें 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। कई लोगों ने बुक कर लिया होगा, अच्छी बात है, सेफ प्लेयर्स हैं तो गाइस बुक कर सकते हैं आप लोग, 70% का रिटर्न ऑलरेडी आप लोगों के सामने है, आप लोगों की टेबल पे है, प्रॉफिट आप लोगों के सामने है, बुक करिए, सेल ऑर्डर डालिए। अगर आप लोग करना चाहते हैं, सेफ प्लेयर्स हैं तो फटाफट से बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम आ चुका है, जो हमें बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था वो हमें हो चुका है, 300 था हम लोगों का पहले टारगेट वो अचीव हो चुका है,
340 भी हम लोगों के सामने है, 300 तक तो हम लोगों ने कैप्चर करना ही था, वो तो हमें मिले ही मिला, और सामने सामने हमें 340 भी नजर आ रहा है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये स्टॉक का एनालिसिस व्यू अच्छा लगा होगा और आप लोग पैसा कैप्चर कर रहे होंगे, पैसा खूब बनाया होगा आप लोगों ने यहाँ। तो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अब मैं अगर नेक्स्ट स्टॉक या फिर और स्टॉक की बात करूँ तो हमारे जैसे ट्रेंड भी था, ट्रेंड में भी हम लोग मोमेंटम अच्छा खासा कैप्चर हो चुका है, आप लोग देखेंगे ट्रेंड स्टॉक में भी ऑलमोस्ट हमारा कितना रिश्वर्ट के आसपास चला, 1:2 के आसपास ही आसानी से हवा में चलता नजर आ रहा है। और गाइस डेविस लैब ने तो एक्सट्रीमली बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, जैसा मैंने आपको सिखा था, डेविस लैब में हमारे सारे के सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं और ये स्टॉक में मोमेंटम रुक नहीं रहा है, बढ़िया करके हमारा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रहा है। सेम जो था हमारा JBM ऑटो, हम लोगों ने उस स्टॉक को भी डिस्कस करा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं JBM ऑटो स्टॉक को भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। हमारा मैक्सिमम टारगेट जाना था इसमें 664 का, बाकी आप लोग ट्रेलिंग एस एल एसान मेंटेन कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों से क्लियरली बताया था। तो जिन लोगों ने ट्रेलिंग एस एल एसान मेंटेन करा उनका कितना रिस्टोरेंट मिल चुका है गाइस, उन्हें मिल चुका है 1:5.56। और क्या ही चाहिए गाइस आप लोग, 1:5.56 का हमें रिस्टोर्ट कैप्चर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा आसानी से। JBM ऑटो के अंदर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल के साथ मूव कर जा रहा है, ऐसे मोमेंटम आप लोग गाइस हमारी वीडियो के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं जो आप लोगों को हर वीक मिलती है। तो मेक श्योर आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अब मैं आप लोग साथ गाइज एक और इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक शेयर करना चाहूंगा जिसका नाम रहने वाला है एपटेक। एपटेक में गाइज हम लोग वॉचआउट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए वॉचआउट करें, जैसे हम लोगों ने TWL देखा था वैसे हम लोग स्टॉक को भी वॉचआउट करें। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है स्ट्रक्चर वाइज, स्टॉक में हम लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 2007 से इसी रेंज के अंदर है, तो अब फाइनली इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसे हम लोग कह सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। तो 10 साल से ज़्यादा कंसोलिडेशन में अब ब्रेकआउट आ रहा है, मोमेंटम मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। अब जैसे मैंने TWL में डिस्कस करा था इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक में, मैं आप लोगों को SL नहीं बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इन्वेस्टिंग में स्टॉक में SL पुट आउट नहीं करते हैं, अगर उन्हें स्टॉक अच्छा लगता है तो वो लोग जो है SL पुट आउट नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बड़ा SL पुट आउट करते हैं, कुछ लोग छोटा SL पुट आउट करते हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ SL शेयर नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को एक व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग एंट्री अपने हिसाब से लें, टारगेट अपने हिसाब से प्लान बहुत ज़्यादा सही से कर सकते हैं। टारगेट के लिए मैं आप लोगों को कुछ एरिया बता सकता हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कप एंड हैंडल का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये हम लोग भी कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो हमें बढ़िया टारगेट बहुत ज़्यादा आसानी से इतना एरिया का तो देखने के लिए मिल ही सकता है अपसाइड के लिए, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छी फॉर्मेशन में अभी के लिए ब्रेकआउट नहीं आया यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसने एस सच यहाँ पे क्लोजिंग इसने दिखाई तो है, इन वाले स्विंग हाई के ऊपर दिखाई तो है, पर आप लोग देखेंगे अगर हम लोग बिल्कुल परफेक्ट एरिया के वॉच आउट करना चाहें, अगर मैं इसको नीचे ही साइड शिफ्ट आउट करूँ और अगर हम लोग खाली बॉडी बॉडी डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हमारा आ चुका है, पर अगर आप लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का और इंतजार कर सकते हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक और अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाए तो हम लोग कैप्चर करेंगे। वो सब कुछ गाइस जैसे मैंने आप लोग से कहा आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा आप लोग करना चाहें वहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ऐसा ही बात रही स्विंग लो के हिसाब से आप लोग पुट आउट करना चाहते हैं यहाँ पे करें, बड़ा पुट आउट करना चाहते हैं यहाँ पे करें, वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं बात करूँ अगर टारगेट की तो टारगेट हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप लोग पता है मैंने आप लोगों को यहाँ पे कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर दिखाया, तो कप एंड हैंडल में हमारा टारगेट क्या होता है, कप एंड हैंडल में हम लोग टारगेट प्लान करते हैं इस वाले एरिया का, हमारा ये वाला जो एरिया इस वाले एरिया का हम लोग अपने टारगेट प्लान करते हैं। तो आप लोग इस हिसाब से टारगेट लेना चाहते हैं ऐसे ले सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लेना चाहते हैं तो वैसे भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग 1000 का तो यहाँ पे टारगेट प्लान कर ही सकते हैं, 1000 का अभी स्टॉक चला है 442 का, मैं उससे ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, मैं अभी के लिए आप लोगों को एक बढ़िया एरिया का टारगेट देना चाहूँगा। जैसे हम लोग कर सकते हैं अगर मैं यहाँ से आप लोगों को रिटर्न दिखाऊँ तो हम लोग 800 या फिर 1000 का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे 800 पे हम लोगों को परसेंटेज वाइज 70% का रिटर्न देखने के मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए 70% का रिटर्न काफ़ी अच्छा है और वो लोग इतने मोमेंटम ही कैप्चर करते हैं। अगर आप लोग और बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सही से। तो 700 से 800 में आप लोगों को इसमें टारगेट देना चाहूँगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देता हूँ 700 और 800, ये आ गई हमारी 700 की लेवल, और बल्कि मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लेवल से अच्छे से मार्क कर देता हूँ जो हमारे पूरे चार्ट पर नजर आएगी, ये लेवल हो जाएगी हमारी 700 की, और फिर हम लोग दूसरा टारगेट प्लान कर सकते हैं 800 का, वो आप लोगों की मर्जी, आप लोग जहाँ पे बुक करना चाहें वहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा आप लोग प्रॉफिट लेना चाहें वैसा आप लोग प्रॉफिट भी ले सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को स्टॉक का व्यू एकदम ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, और गाइज समझ में आ गया हो वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वाले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। इन्वेस्टिंग का स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और स्विंग ट्रेडिंग का भी स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।
और गाइस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आप लोग ऐसे न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।